पार्टी और किसान यूनियन सारे लगे हुए ने इन अपोज कर। ए भी मैंने उदो लिखा सी प्राइम मिनिस्टर नू जदों खबर आई कि कोई कमेटी बिठाई सी उन्होंने, लेकिन वह सूबा जिहड़ा देश नू अन्न खवांदा है उस नू उस कमेटी का मैंबर नहीं बनाया सी। उस तो बाद फिर सानू मैंबर बनाता, उस तो बाद एक मीटिंग हुई जिथे साढ़े FM साहब गए से और सिर्फ इन्हां नू कोई इशूज ते कोई अफसर सदे, जैसे प्रधान जी ने कहा और उन्होंने कहा थोड़ी राय नहीं असीं चाहुंदे, असां सानू दसण वास्ते तुहानू बुलाया है कि आ असीं ऑर्डिनेंस पास कर रहे हैं। सो जो सूबा ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਡੇਲੀ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਕਿ ਯੈਸ ਕੋਈ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ और इतने गड़बड़ कराने की पूरी कोशिश करूँगा, ये उन्होंने पॉलिसी शुरू तो रही है। और आप क्यों खेलते हैं उन्होंने इस पॉलिसी के, क्योंकि आ जड़ा कुछ हो रहा है ये जरूर रोस जागूगा पंजाब, और जब रोस जागद फिर कुछ भी हो सकता है। इस करके ये मैं बार बार कहा कि मैं 3 चिट्ठियां प्राइम मिनिस्टर को लिख चुके हैं, इससे मैं हूँ नहीं ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ ਦਿੱਲੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 3 ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਗੜਬੜ ਹੈ, ਲੁੱਕ ਐਟ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਸ 'ਚ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਾਸ ਕਰਤਾ ਕੱਲ੍ਹ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ 2 ਸਮਝ ਕੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊ, ਐਂਡ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 75% ਕਿਸਾਨੀ ਸਾਡੀ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 2 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਨਸ ਦਾ ਭਾਅ ਗਿਰੂਗਾ ਵਿੱਚ ਇਟ ਵਿਲ ਫੋਲ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ MSP ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਫੋਲ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ 2 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਸੇ ਰੋਟੀ ਖਵਾਊ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਅੰਨ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੈਰ ਸੀਮਸ ਟੂ ਬੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲਿਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਆਈ ਹੋਪ ਇਹ ਜਦ ਪਹੁੰਚੂਗਾ ਦਿੱਲੀ, ਜਰਾ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਸੋਚਣਗੇ। ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਇਆ? ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਸ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਈ ਐਮ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦੀ ਅਦਰ 2 ਐਕਟਸ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੂਜੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜੋ ਪਾਸ ਕਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੋਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਥਿੰਕ ਦਿਸ ਟੋਟਲੀ ਰੋਂਗ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਵੀ ਹੈਵ ਹੈਡ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਦ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਕਾਲੀ ਔਰ ਜਦ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਡੇਲੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਡੇਲੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇ ਕੇ ਆਏ, ਅਗਰ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਝਦੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਆਊਟ ਆਫ ਇਟ, ਬਸ ਇਹੀ ਸਿਆਸਤ।
कौन सारे ने वॉकआउट करता सी ऑन दिस इशू असी अपोज करके वी अपोज इट एंड वी वॉकड आउट सुखबीर बादल दा व्हाई डिडंट हिज वाइफ देखो जदों थोड़ा कैबिनेट दिस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मीट कर दिया इज शी अ मेंबर ऑर नॉट जेडे मेंबर जेडे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने फैसला किया कि ऑर्डिनेंस पास करने ने होया या नहीं होया अगर उथे से ता क्यों नहीं बोले अगर नहीं उथे से तो बाद च प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया हैज शी एट एनी स्टेज कुछ उन्होंने गल की है कल सुखबीर बादल जाके उथे कुछ कहना है इतने की किया विधानसभा च सो ये ड्रामेबाजी बड़ी देर नहीं चलती लोग सारे इन्हों पछाण गए ने दिस इज ओनली ट्राइंग टू अपने हुण सारे उन्होंने पार्टी वाले ने उन्होंने चंगी तरह घूरिया है तो अपना मूँह फेस सेविंग जिन्हों कहते हैं वो करने की कोशिश कर रहे हैं बस और कुछ नहीं मैं ऑफकोर्स अपील कर दें क्योंकि असं तो उन्होंने नाल हैं अगर तुम ये कोई सड़क रोकनिया ने या कोई पुल रोकने ने तो चलो दिल्ली अस चलते हैं थोड़े नाल उत्थे करो साढ़े पंजाब के जब पंजाब गवर्नमेंट ही थोड़े नाल है उरे साढ़िया सड़क रोकण का क्या इन्हों लाभ होएगा अगर तुम कोई अपना इंपैक्ट देना है और असं थोड़े नाल हैं इस इंपैक्ट के तो चलो दिल्ली देखो ये 144 लगी है ना अगर उसनों किसान वायलेट करते हैं कोई कारण होना है ना कारण की है कि जो देख रहे हैं कि मेरा मेरे बच्चों का ढिड खाली रहेगा तो फिर की करेंगे दसो दैट इज़ वाई दे आर डूइंग इट कि कानून तोड़ना चाहता है पर आवाज़ उन्होंने इन्नी उठ रही है क्योंकि इस दे नाल यही होएगा जिस दिन असेंबली वो चल रहा सी अपनी बहस ऑन दिस इशू उदों होशियारपुर की मंडी च उस दिन सवेरे 1700 रुपए क्विंटल होनी चाहिए सी मक्की और 600 रुपए च गई दिस इज़ गोइंग टू हैपन कणक च भी हो झोने च भी हो जब एफ सी आई चली जाओ और जब एम एस पी जाओगा तुसी पंजाब च पंजाब की सारे हिंदुस्तान की किसानी डोब दोगे और पंजाब वी आर एस बॉर्डर स्टेट साडा तुसी इत्थे होर कोई कौड़ा बीज बोल के जाओगे बस साढ़ा हूँ रुको ही है जो थोड़ा दसिया सारे असं गवर्नमेंट भी दस के आए असैम्बली भी करता सारे कि दुनिया तो जानती है कि कांग्रेस कितने खड़ी है कड़ी कुरबानी वो तो हर वेले कुरबानी कोई देने तैयार है कोई दे तो सही कुरबानी हाँ जी की जी पीपी आला उत्थे चला जाए और उत्थे कोई देख ले कि 144 का हुक्म है तो फिर की करूँगा लेकिन आई विल सी दैट नो 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 कोई परचे नहीं देते हो बिल्कुल वापस कराए जाएंगे अपनी अपनी रोजी रोटी अपने बच्चे का भविख लड़ रहे हैं लड़ रहे हैं वी आर नॉट गोइंग टू अलाउ एनीथिंग लाइक दिस टू